नमस्कार, आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज एक बार फिर यह साबित हो गया है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश है। पुलवामा हमले के 20 महीने बाद पाकिस्तान ने खुद कबूल कर लिया भारत में यह बड़ा आतंकी अटैक उसी ने कराया था। यह कबूलनामा किसी और का नहीं, खुद इमरान खान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी का है। फवाद चौधरी के कठपुतली मंत्री हैं। आपको बता दें कि ये इमरान के कठपुतली मंत्री हैं और इमरान पाकिस्तानी फौज के कठपुतली भी हैं। यानी सबने मिलकर भारत को जलाने की आतंकी साजिश की थी, जिसका कबूलनामा सामने आ गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा इमरान ने कराया था पुलवामा। भारत के 40 जवानों की जान लेने वाले आतंकी हमले के पीछे कोई और नहीं, सीधे पाकिस्तान का पीएम इमरान खान था। तालिबानी खान के चेहरे से उसके ही मंत्री ने नकाब उतार दिया। इमरान खान के मंत्री ने पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में अपने पीएम का आतंकी बाप कबूल लिया। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर, वहां पे और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। दुनिया को अब पाकिस्तान की दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सबूत मिल गया है। इमरान के मंत्री फवाद हुसैन ने बार बार कहा कि पुलवामा हमला इमरान खान की अगुवाई वाले पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है, जिसके सभी पाकिस्तानी हिस्सेदार हैं। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर, वहां पे और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। ये है पाकिस्तान का असली चेहरा। ऐसे ही दुनिया इसे दहशतगर्द मुल्क नहीं कहती, ऐसे ही ये दुनिया के तमाम आतंकी संगठनों का हेडक्वार्टर नहीं है। फरवरी 2019 को जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, सीआरपीएफ के काफिले पर हुए इस अटैक में 40 जवान शहीद हो गए थे। हमले के ठीक बाद भारत ने इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया था। इसके सबूत भी दुनिया के सामने रखे थे, लेकिन पाकिस्तान ने इसे हमेशा खारिज किया। लेकिन पुलवामा अटैक के 20 महीने बाद अब पाकिस्तान का पर्दाफाश हो गया है। उसने खुद पुलवामा में हमले करवाने की बात कबूल ली है। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। पुलवामा हमले की जांच करने वाली एनआईए ने चार्जशीट में पुख्ता सबूत के साथ पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर और उसके भाई असगर सहित 20 आतंकियों को आरोपी बनाया था। चार्जशीट में एनआईए ने बताया था कि हमले में इस्तेमाल किया गया आरडीएक्स पाकिस्तान से कश्मीर में लाया गया था। अब ये साफ हो गया है कि पुलवामा के हमले के पीछे सीधे इमरान यानी पाकिस्तानी फौज के कठपुतली पीएम थे। इमरान की चाबी आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हाथ में है, यानी पुलवामा में हुआ हमला सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना आईएसआई और इमरान की साझा साजिश थी। जिस बात को अब तक नहीं कबूल रहे थे उन्होंने कबूल ली। आतंकवादी घटना कराना अगर बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है या अचीवमेंट माना जाता है सरकार का, तो सिर्फ एक ही चीज दिखाता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। हिंदुस्तान ने पुलवामा हमले का बदला पाकिस्तान के भीतर बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक कर लिया था, जहां आतंकी कैंपों को तबाह कर डाला था। इसके बाद पाकिस्तान हिल उठा था। भारतीय वायुसेना के शौर्य को तब प्रधानमंत्री मोदी ने पायलट प्रोजेक्ट कहा था, यानी फाइनल प्रोजेक्ट अभी बाकी है। अभी पाकिस्तान से पुलवामा का पूरा बदला बाकी है। धर्म संस्थापना अर्थ है संभवामी युगे युगे।
मतलब दुष्टों से, मानवता के दुश्मनों से धरती को बचाने के लिए प्रभु की शक्ति हमारे साथ हमेशा रहती है। यही संदेश हम पूरी प्रामाणिकता के साथ दुष्ट आत्माओं, असुरों को देने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि जब तक आतंक की फैक्ट्री पर ताला ना लगा दें, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। यानी अब आतंकी इमरान की खैर नहीं, पाकिस्तान की तबाही का नया बिगुल बज उठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो आतंकी इमरान की 24 घंटे में ये दूसरी बार पोल खुली है। मंत्री फवाद हुसैन से पहले इमरान सरकार की पोल विपक्षी सांसद अयाज सादिक ने खोली थी। किस तरीके से उन्होंने कहा कि जब संसद में इस बात को स्वीकार किया गया कि जब यहां पर बात अभिनंदन की आई थी तो रिहा करने से पहले कैसे पाकिस्तान के, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो बाजवा हो, चाहे वो इमरान हो, कैसे उनके पैर कांप रहे थे, ये रिपोर्ट देखिए। पुलवामा का बदला हिंदुस्तान ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर लिया था। भारत के प्रचंड प्रहार के बाद पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को भारत पर हमले की कोशिश की थी, जिसे नाकाम बना दिया गया। मिग 22 उड़ा रहे भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान में घुसकर उसके F-16 फाइटर प्लेन को ढेर कर दिया था। इसी दौरान अभिनंदन के मिग 21 फाइटर प्लेन में आग लग गई। इसके बाद वे LOC के दूसरी तरफ सुरक्षित उतर गए, जहां पाकिस्तानी फौज ने उन्हें बंदी बना लिया। लेकिन भारत के जबरदस्त आक्रामक तेवर के बाद पाकिस्तान ने उन्हें वापस लौटा दिया था। पाकिस्तान ने भारत के हमले के डर से ऐसा किया था। यह खुलासा PMLN के नेता अयाज सादिक ने पाकिस्तान की संसद में करके इमरान सरकार को हिला दिया। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भारत के हमले के डर से कांप रहे थे। जाहिर है उनकी कंपकपी इमरान की पस्त हालत की वजह से छूट रही थी। यानी इमरान को पाकिस्तानी फौज और एयरफोर्स की तरफ से साफ कह दिया गया था कि अब हिंदुस्तान का किसी भी वक्त हमला हो सकता है। अयाज सादिक के इस खुलासे के बाद से इमरान सरकार की हालत पस्त थी। शाह कुरैशी चीख चीख कर थक गए, लेकिन अपने कांपते पैर और पसीने से तर बतर चेहरे वाली सच्चाई को नकार नहीं पाए। इदारों पर हमले की बात करते हैं, पाकिस्तान के इदारों को मुतनाजा कौन बना रहा है, हिंदुस्तान की बोलियां कौन बोल रहा है, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान कौन पहुंचा रहा है। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो इमरान खान ने आखिरकार अपना वो चेहरा सामने लाने का फैसला किया जिसे छिपा कर रखा था, और ये चेहरा आतंकी चेहरा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर, वहां पर और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क्यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब है, उसके हिस्सेदार हम भी सब है। पस्त पाकिस्तान को संभालने में नाकाम इमरान ने अब जिहादी चोला ओढ़ तो लिया है, लेकिन अब उसका बचकर निकलना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि पुलवामा में जो हुआ उसके हम सब हिस्सेदार हैं, यानी कि पूरा जो आतंकवाद है उसके हिस्सेदार मंत्री जी खुद को खुद बता रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।
सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। आप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।